विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। आज मैं आपको इसी श्रृंखला में भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करूंगी कि भारतीय संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक हैं सुभाष सी कश्यप, उनका मानना है कि भारत का संविधान एक निष्क्रिय दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवंत गतिशील वास्तविकता है। प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनका मानना है कि हर भारतीय को औपचारिक शिक्षा के सभी स्तरों पर संविधान के अध्ययन को अनिवार्य रूप से जोर दिया जाना चाहिए। कि फिर उन्होंने बहुत डिटेल में बात बताई, उनकी बुक भी है भारतीय संविधान से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय संविधान है, ये एकमात्र डॉक्यूमेंट नहीं है, एक दस्तावेज नहीं है, ये एक निर्जीव पुस्तक नहीं है, यह एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है और जो कि कार्यशील संस्थाओं से संबंधित है। इसका अर्थ केवल यह है कि इसका संचालन कैसे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह उनके जीवन को प्रभावित करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। कोई भी दस्तावेज निर्जीव या बेजान चीज होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है वो बेजान होता है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो निर्जीव नहीं है, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है और ये हमेशा से ही इसमें चेंजेस होते रहे हैं, विकसित होता रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान स्वतंत्रता से पहले भी विकसित और आकार ले रहा था और यह 1947 में स्वतंत्रता के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी निरंतर आकार ले रहा है, अर्थात उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे समय और परिस्थितियों के अनुसार। जिस तरह से ऐसा नहीं है कि ये एक परंपरावादी दृष्टिकोण पर आधारित है या ये निष्क्रिय है, बेजान है कि जो चला आ रहा है वो चलता आ रहा है, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। संविधान का अनुपालन प्रत्येक नागरिक का पहला मौलिक कर्तव्य है। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया है। मैं अधिकारों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रही हूँ कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्णित या वर्णित किए गए हैं, जिसमें पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा और इसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करेगा। परंतु भारत के कितने नागरिक, यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षित लोगों को भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में बाद में जोड़ा गया है और इस हम सभी अपने मौलिक अधिकारों से तो परिचित हैं, परंतु हम हमेशा उनकी मांग करते रहते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ये नहीं पता कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं और हम में से कितने लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी है, जो कि हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये पहला कर्तव्य है वो ये जाने कि संविधान क्या है और संविधान का पालन करना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। और हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान में क्या कहा गया है और हमारे देश में संविधान की जानकारी का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। तो संविधान हमेशा कुछ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसी तरह से कि मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण की बात हो, चाहे वैज्ञानिक मानसिकता की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्यों में आते हैं और जिनका कि हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। भारत के संविधान में एक शब्द चर्चा की गई है कि कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी जो तुलना है वो जिससे इसकी तुलना विश्व के किसी भी मौजूदा संवैधानिक मॉडल से नहीं की जा सकती है। यह क्या है? संघीय और एक कांगी ढांचे के बीच का मध्यम मार्ग है, पेरिफेरल भी बोलते हैं या इसको अर्ध संघीय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संघीय ढांचे और एकांगी ढांचे दोनों के बीच की विशेषताएं शामिल होती हैं। इसी तरह से इसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था दोनों के बीच का विशेषताएं शामिल हैं। तो
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अर्धसंघीय आदि शब्दों का भारत के संविधान के लिए इस्तेमाल किया है। अभी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे सहकारी संघवाद कहा है। उनका मानना है कि यह एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म है। वो क्षेत्रीय दबावों की बात करते हुए उनका मानना है कि भारत का जो संविधान है वो सहकारी संघवाद है, जिसके बारे में भारत के संविधान के बारे में गांधी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो ये मानते थे कि गांधी जी का मानना था कि निचले स्तर पर लोगों को सत्ता सौंपनी, सत्ता को सफलता दिलवाना है। मतलब जितना नीचे स्तर का व्यक्ति अगर सत्ता से जुड़ा होगा तो वह सत्ता सक्सेस होगी, सफल होगी। सत्ता ऊपर से नीचे नहीं बल्कि हमेशा नीचे से ऊपर जानी चाहिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि संविधान में ये कहा गया कि यदि प्रभु सत्ता हम भारत के लोग तो से संबंधित है तो सर्वोच्च अधिकार भी लोगों से ऊपर की ओर जाने चाहिए। जहां तक हम सत्ता हस्तांतरण की बात करें तो ऐसा लगता है कि सत्ता हमारे पास है और हम उसमें से कुछ हिस्सा अपने नीचे स्तर पर भेजना चाहते हैं। तो इस तरह से जो गांधी का कंसेप्ट था, गांधी जी का जो कंसेप्ट था वो ये था, विकेंद्रीकरण की बात गांधी जी कहते थे और वो कहते थे कि सत्ता के केंद्र गांव में होने चाहिए, जिससे कि जो माइग्रेशन की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, जो जनता माइग्रेट करती है गांव से शहर की ओर वो रुक जाएगी। दूसरी बात है कि संविधान में भी व्यक्तियों के अधिकारों पर बल दिया गया है। फिर प्रस्तावना में की बात करें हम यहाँ पर, तो न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करने के बाद अंत में कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना, मतलब कोई भी बात व्यक्ति की गरिमा से नीचे है। मतलब सबसे पहला क्या है, व्यक्ति की गरिमा है, सबसे पहला पॉइंट व्यक्ति की गरिमा, यहां हम ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कोई भी बात व्यक्ति की गरिमा से नीचे आती है, अतः अधिकार मौलिक रूप से व्यक्तियों से संबंधित है और प्रभु सत्ता लोगों के, भारत के लोगों में निहित है और उसमें उनसे वह क्षेत्रों अथवा केंद्र की ओर जानी चाहिए। तो ये बात थी कि हम जहां अधिकारों की बात करते हैं तो वहां हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगी मैं कि यहाँ सोशल मीडिया की हम चर्चा करेंगे, इसको मैं बुक की तरह नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ करंट जो भारतीय संविधान के बारे में जो मुद्दे उठते हैं उनके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ आपसे, कि सोशल मीडिया जनता को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन ये अच्छी बात है, सब कुछ है, लोगों को ओपिनियन मिलती है, जनता अपनी इच्छा व्यक्त करती है और लोगों का चुने हुए प्रतिनिधि होती हैं, और दूसरी बात अल्पसंख्यक वर्ग को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो लेकिन सोशल मीडिया को अपनी वो कहते हैं ना टीआरपी बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ मुद्दों को वो बहुत ज्यादा उजागर करे या कुछ मुद्दों को जो जनता के हित के हों और उनको उजागर नहीं करे। एक और कंसेप्ट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि संसदीय स्तर पर राइट टू रिकॉल, चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार संभव नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि राइट टू रिकॉल, चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। आज हमारे पास लगभग 2500 दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं और सभी चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं। हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत की प्रणाली पर आधारित है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें से बहुत बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक मत पाने वाले व्यक्ति भी चुना जाता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार होते हैं और वोट उनके बीच विभाजित हो जाते हैं और सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को चुना जाता है। विजेता उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत वास्तव में डाले गए मतों के अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। तो जब आप चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार रखते हैं तो
हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो मतदाता उसे वापस बुला सकता है। लेकिन कई सारी प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद 10-15% मतदाताओं का प्रावधान होता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की रिट दाखिल करते हैं, फिर उसको वापस बुलाने के लिए अनुमति के लिए मतदान होता है, और यदि बहुसंख्यक मत वापस बुलाने के पक्ष में पड़ते हैं तो वापस बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद वास्तविक रूप से मतदान करवाया जाता है वापस बुलाने के लिए। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को वापस बुलाने के लिए 3 बार मतदान की आवश्यकता होती है। अतः अपनी चुनाव प्रणाली में जब हम ये जानते हैं कि कोई उम्मीदवार 10-15% वोट लेकर चुनाव जीता है, तो ये बात तो पहले से ही तय हो जाती है कि बहुसंख्यक जो वोट हैं वो उसके खिलाफ हैं। अतः जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के विकल्प पर अन्य सुधारों के विचार किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इतनी पैसे लगा करके चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और फिर हम उनको वापस बुलाने के लिए फिर ये इतनी 3 बार प्रोसेस करेंगे, तो वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक डेंजरस साबित हो सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि अल्पसंख्यक वोट पाकर भी चुनाव जीत जाना और यहाँ लगभग 2500 पार्टियों का होना, यह दर्शाता है कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का विकल्प समझदारीपूर्ण नहीं हो सकता है। स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की संख्या कम हो सकती है, अतः वहां वापस बुलाने की प्रक्रिया संभव हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जहां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लाखों मतदाता होते हैं वहां पर ये बुलाना संभव नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने पुस्तकीय ज्ञान से थोड़ा अलग बात भी डिस्कस की कि हम किसी भी की राइट टू रिकॉल क्या है। हमारे जो संविधान में हमने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी कितनी महत्वपूर्ण है और उनको भी फॉलो अप करना चाहिए। थैंक यू सो मच।